जय हिंद, आप है मेरे साथ और आज हम बात करेंगे 15 कोर कमांडर की उस वार्ता की जो उन्होंने एएनआई के साथ में जो उन्होंने साक्षात्कार दिया, जिसके अंदर उन्होंने टेररिस्ट के खिलाफ जो कार्रवाई करती है फौज वो किस तरीके से करती है उसका उल्लेख किया, उसकी डिटेलिंग दी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और उससे ये पता लगता है कि हमारी जो आर्मी है वो कितनी ज्यादा प्रोफेशनल है, कितना प्रो पीपल्स अप्रोच है। और अगर हम उसको कंपेयर करेंगे अपने नेबरिंग कंट्री के साथ में कि वो किस तरीके से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करती है, तो आपको पता लगेगा कि दोनों की फौजों में कितना भारी अंतर है। बहरहाल कंपैरिजन हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि जनरल राजू ने जो 15 कोर कमांडर है उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने बड़ी अहम बातें करी कुछ, और वो अहम बातें ये हैं कि उन्होंने कहा कि कम से कम 20 से 25 सर्चेस के बाद एक एनकाउंटर होता है जिसके अंदर एक आतंकवादी इलिमिनेट होता है। ये मतलब ब्रॉड डेटा को उन्होंने एनालाइज करके बताया कि एवरेज ये निकलता है कि 20 से 25 बारी सर्चिंग हुई तो उसमें से एक एनकाउंटर होगा जिसके अंदर आतंकवादियों को इलिमिनेट किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो टेरर एनकाउंटर्स हैं वो बड़े सिलसिलेवार तरीके से और बड़े प्रोफेशनली वो किए जाते हैं, बड़ी गहरी इंटेलिजेंस गैदरिंग करी जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के अंदर आज की तारीख में लोकल कश्मीरी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो ऊब गए हैं पाकिस्तान समर्थित टेररिज्म को लेकर, और जो अलगाववादी तत्व है कश्मीर घाटी के अंदर उनसे भी वो बहुत परेशान हो गए हैं। तो वो आकर निरंतर सूचनाएं देते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करते हैं, और इसमें जम्मू और कश्मीर पुलिस का एक बहुत बड़ा योगदान है। लोकल लोग हैं और उन्हीं इलाकों से आते हैं, वो उन्हीं गांवों के हैं, तो वहां से वो उनको एक बहुत अच्छी इंटेलिजेंस मिलती है, बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस नेटवर्क है। और अब कश्मीरी ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बेचारों ने बहुत सहा है इस टेररिज्म के चलते, और मेरी बहुत बहुत सहानुभूति है। तो जनरल राजू ये कहते हैं कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस गैदर करी जाती है और उसके बाद में उस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर स्पेसिफिक सर्चेस करी जाती है। स्पेसिफिक सर्चेस का मतलब है कि जब पता लग गया कि फलाने गांव में फलाने मोहल्ले के अंदर और उस घर के अंदर आतंकवादी छुपे हैं, तो बहुत ही लाइटनिंग स्पीड से उस घर का घेराबंदी कर ली जाती है और एक आउटर कॉर्डन लगा लिया जाता है पूरे गांव के चारों तरफ, और घर के आसपास के जो लोग हैं उनको अपना घर खाली करने के लिए बोला जाता है। अमूमन उनको नजदीक में किसी मस्जिद पर इकट्ठा होने के लिए बोला जाता है, या कोई और एक कोई सार्वजनिक स्थल हो वहां पर उनको बोला जाता है कि आप यहां पर इकट्ठे हो जाएं। उसके बाद में इन आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए बोला जाता है एज पर जनरल राजू, वो भी यही कह रहे हैं, और ये कोई नई रणनीति नहीं है, हमारे टाइम में भी ऐसे ही होता था, लेकिन ये बहुत कारगर रणनीति है। उसमें सरेंडर करने को कहा जाता है, और सरेंडर करने को खास तौर से उस आतंकवादी को कहा जाता है जो कश्मीरी मूल का हो, ये अंडरलाइन है, कश्मीरी मूल का अगर आतंकवादी है उसको सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। और अगर हमारी गिरफ्त में फॉरेन मिलिटेंट आते हैं, फॉरेन मिलिटेंट बोले तो पाकिस्तानी टेररिस्ट आते हैं, तो वहां पे कोई सरेंडर और इस तरीके की कोई बातें नहीं होती, उनका सिर्फ इलिमिनेशन होता है। तो जनरल राजू ने यह कहा कि जब ये स्पेसिफिक कॉर्डन हो गया उस घर का जहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं और लोगों को वो इलाका खाली करने के लिए बोला गया, तो कोशिश ये करी जाती कि कम से कम आम आवाम को तकलीफ पहुंचे, और उसके अंदर भी जो बुजुर्ग है जो बच्चे हैं उनका खास ख्याल रखा जाता है, और मेडिकल सुविधा भी दी जाती है। एक उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया मेडिकल पेट्रोल, तो जी हां, जो हमारे डॉक्टर और पैरामेडिक्स की जो मिलिट्री जो पैरामेडिक्स है उनकी एक पेट्रोल होती है, वो जो इकट्ठा हुए लोग हैं वहां पर अपना एक छोटा सा कैंप लगाते हैं और इन सब लोगों का एक फ्री चेकअप करते हैं जो जो करवाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि जैसा कि हम सब जानते हैं वैली के अंदर आज के टाइम में कितनी ठंड है, कितनी परेशानी है, तो बाहर निकलना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़ी सहूलियत है कि भाई
वहीं पर ही आके आपको डॉक्टर और बहुत क्वालिटी के डॉक्टर, मिलिट्री डॉक्टर्स आर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द कंट्री। आपको ये मालूम होगा कि जब भी कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बीमार होता है तो आर्मी के ही हॉस्पिटल में अपना इलाज कराता है, तो बहुत ही उम्दा क्वालिटी के डॉक्टर होते हैं। और ऐसे डॉक्टरों के हाथ से दवाई मिलना एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य मैं मानूंगा उन लोगों का, जिन लोगों को ऐसे ऐसा मौका मिलता है। तो ये आर्मी की मेडिकल पेट्रोल्स जो है ये सहूलियत प्रदान करती है। इन द मीन वाइल, अगर जैसा मैंने कहा कि ये पता लग जाता है कि इसके अंदर जो छुपा आतंकवादी है ये लोकल कश्मीरी है, तो उस लोकल कश्मीरी को सरेंडर करने के लिए बोला जाता है और उसके जो माँ बाप है, भाई बहन है, उनको भी बुलाया जाता है, उतना टाइम दिया जाता है उनको, उनके लिए गाड़ी भेजी जाती है, वो उनको लेके आया जाता है और लाउड स्पीकर के माध्यम से उनको सरेंडर करने के लिए भी कहा जाता है। और उन्होंने, जनरल राजू ने, 15 कोर कमांडर ने यह भी बोला कि इस सरेंडर पॉलिसी के चलते पिछले 6 महीने के अंदर 17 लोकल आतंकवादियों ने सरेंडर भी किया है और यह बहुत ही सराहनीय है। एक ये कॉन्फिडेंस दिखाता है इंडियन आर्मी के प्रति कि ये इंडियन आर्मी है और हम सरेंडर करेंगे तो हमारी देखभाल होगी और लोग अपनी फैमिली से रीयूनाइट हो जाते हैं। लेकिन अगर मिलिटेंट और टेररिस्ट ये नहीं पसंद करता है सरेंडर करना और फायर कर देता है तो एक बहुत ही सर्जिकल तरीके से एक ऑपरेशन किया जाता है जिसमें मिनिमम कोलेट्रल डैमेज हो। कोलेट्रल डैमेज मतलब कि जिस घर को टारगेट कर रहे हैं उसी को टारगेट किया जाता है और अड़ोस पड़ोस के किसी घर को कोई क्षति ना पहुंचे, इसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। तो इस तरीके से ऑपरेशन किए जाते हैं और जो टेररिस्ट है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि फॉरेन टेररिस्ट है, पाकिस्तानी आतंकवादी है, उनके लिए ये रियायत नहीं है। जनरल राजू ने यह भी कहा कि पिछले समय के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो जो रिक्रूटमेंट है, न्यू रिक्रूटमेंट वैली के अंदर, वो भी काफी कम हुई है। और इन्फिल्ट्रेशन के बारे में उन्होंने बहुत अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि करीब 70% जो इन्फिल्ट्रेशन है वो अब काबू में है। 15 कोर के अंदर 70% इन्फिल्ट्रेशन काबू में करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप उसकी ज्योग्राफी देखें तो शमशाबारी का जो पहाड़ की जो पहाड़ी श्रृंखला है वहां पर फेंसिंग जरूर है लेकिन सर्दियों के दौरान वहां पर इतनी ज्यादा बर्फ गिर जाती है कि वो फेंस भी बर्फ के अंदर दब जाती है और उससे आतंकवादियों को सहूलियत मिलती है खराब मौसम में इन्फिल्ट्रेट करने की। और इसके बाद में जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो फेंसिंग को भी अपने साथ घसीट के नालों में ले जाते हैं, तो गैप बन जाते हैं बड़े बड़े और उन गैप्स का इस्तेमाल कर आतंकवादी वैली के अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये असलियत के बावजूद अगर 15 कोर कमांडर कह रहे हैं कि 70% जो इन्फिल्ट्रेशन है उस पर काबू है तो ये बहुत बहुत बड़ा काम है, बहुत हरक्यूलन टास्क है और इसके लिए हमारा फौज को सलाम है। बहुत मुश्किल हालात के अंदर ये काम वो पहरा देते हैं और आप अंदाजा लगा लीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो लोग दिल्ली और दिल्ली के आसपास और ऊपर के इलाकों में रहते हैं, अभी कितनी ठंड है आप मेरे जैकेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बाहर ठंड होगी जब ऑफिस के अंदर इतनी ठंड है। तो इतनी ठंड में, कड़ाके की सर्दी में सब जीरो टेम्परेचर में सैनिक खड़ा होके और ड्यूटी देता है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा काम है। फिर जनरल राजू ने एक और बात करी, वो भी काफी दिलचस्प है, और वो बात करी उन्होंने जो पाकिस्तान की तरफ से जम्मू रीजन के अंदर खासतौर से जो टनलिंग की वाके आए हैं, जो कि फेंस के नीचे से एक टनल बनाकर और आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं या ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं या हथियारों की खेप भेजते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने इशारा दिया। उन्होंने बताया कि अब हम हैंडहेल्ड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार्स लेके आ रहे हैं और डीआरडीओ, अब ये मैं बता रहा हूं कि डीआरडीओ ने भी एक इस तरीके का हैंडहेल्ड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार बनाया है जो कि एक सोल्जर को सहूलियत देता है, जमीन के नीचे सतह के नीचे कोई बदलाव है तो उनके बारे में जानकारी मिलती है, या कोई अगर आईडी है, लैंडमाइन है, तो उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। और इन ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल इराक की लड़ाई में अमेरिकन्स ने बहुत किया, फिर जो टनल्स की समस्या इसराइल ने फेस करी थी तो इसराइल ने भी इनका बखूबी इस्तेमाल किया, और अब हिंदुस्तान के डीआरडीओ द्वारा निर्मित ये हैंड हेल्ड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स हैं, ये भी
इनका इस्तेमाल बीएसएफ ने करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट बीएसएफ ने होम मिनिस्ट्री ने उसके ट्रायल्स की मंजूरी दी है। लेटेस्ट खैर वो गूगल में चेक करना पड़ेगा कि वो ट्रायल्स कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, बट क्योंकि कोर कमांडर 15 कोर इस बात की ओर इशारा कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि सेना ने और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मन बना लिया है कि इन ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स को इंडक्ट कर लिया जाए। तो ये एंटी टेरर एक्टिविटी के ऊपर 15 कोर ने एएनआई के साथ बात करी और मैं उसको समझाने की आपको मैंने कोशिश करी। अब जो मैंने शुरू में कहा था कि जब आप हिंदुस्तान की फौज की कारकर्दगी के बारे में समझेंगे और उसकी तुलना आप अपने पड़ोसी मुल्क के की फौजों के साथ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी फौज कितना ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को वैल्यू देती है। आपको गर्व होगा अपनी सेना के ऊपर कि हमारी सेना कितने मुश्किल हालातों में अपनी जान की परवाह ना करके और आम लोगों की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए, उनकी सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशंस करती है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने जब ईस्ट पाकिस्तान उनके पास था तो उन्होंने कैसी बर्बरता करी इस फौज ने। कहा जाता है कि 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 1 लाख महिलाओं का की इज्जत लूटी गई। तो ये एक आंकड़े है, डिस्प्यूटेड है, कोई 1 लाख बोलता है तो कोई 50,000 बोलता है, बहरहाल जो भी है एक बहुत ही बड़ा फिगर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश तक ही महदूद था। उनके अपने जो इलाका है दैट इज वेस्ट पाकिस्तान या आज का जो पाकिस्तान है, सिंध के अंदर एक उन्होंने बहुत बड़ा मिलिट्री क्रैकडाउन किया था 70s में भुट्टो के चलते, और हेलीकॉप्टर गनशिप्स का इस्तेमाल पहली बार इस पूरे बर्रेसगीर के अंदर पाकिस्तान की फौज ने अपने ही लोगों के ऊपर किया था, मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस का इस्तेमाल किया था और बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से उन्होंने जो आजादी की जो आवाजें थी उनको दबाने की प्रयास किया और एक तरीके से उस समय उन्होंने कुचल भी दिया। यही चीज हम बलूचिस्तान में देखते हैं। बलूचिस्तान में हजारों हजारों की तादाद में जवान लड़कों को अगवा कर लेती है फौज और उनको मार देती है। बहुत सारी मैस ग्रेव्स का खुलासा बलूचिस्तान में हुआ है जहां पर लोगों को पाकिस्तान फौज ने एक लाइन में खड़ा करके और गोली मार के और वहीं दफन कर दिया। बहुत सारे घर उजड़े और अभी हाल ही में देखा आपने कि हजारों को किस तरीके से क्वेटा के इलाके में उनको मार दिया गया, और किसने मारा? वो आतंकवादी तंजीमों ने मारा जिनको फौज की शह है। तो इस तरीके से पाकिस्तान की फौज अपने लोगों के साथ में बर्ताव करती है। वहां खैबर पख्तूनवा में और स्वात वैली के अंदर एक बहुत बड़ा इन्होंने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन जरबे अज़्ब का नाम था। उसके अंदर उन्होंने सारे लोगों को बोला था कि आप ये पूरा इलाका खाली कर दें और उनको एक रेफ्यूजी कैंप्स में लाके रखा, और पूरा इलाका खाली करने के बाद आपको हैरानी होगी कि उन्होंने F-16 और कई अलग और जंगी तैयारों की मदद से गांवों पे और टाउन्स पे, छोटे शहरों के ऊपर बमबारी करी और बिल्कुल उनको फ्लैट कर दिया। बिल्कुल जो मंजर है अगर आप गूगल करें तो आपको वो तस्वीरें मिल जाएंगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये सीरिया की तस्वीरें हैं। बहरहाल आप उनको और पाकिस्तान की फौज को अगर आप हिंदुस्तान की फौज से कंपेयर करें, और जो जनरल राजू ने ये पूरा बयान दिया कि किस तरीके से हम ऑपरेशंस करते हैं, आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की फौज कितना ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करती है और कितने ह्यूमैनिटेरियन तरीके से पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस करती है और उन लोगों को अपने साथ मिलाने का प्रयास करती है, और उस प्रयास के फल भी नजर आ गए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से लोकल बॉडी के इलेक्शन कश्मीर के अंदर हुए और किस तरीके से पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई, आतंकवाद की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। तो ये सब दर्शाता है कि कश्मीर में बदलाव आ रहा है। कश्मीर के लोग जो है पाकिस्तानी आतंकवादियों से, पाकिस्तान की आतंकवादी नीति से बहुत परेशान है और वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आपको जरूर मेरा ये छोटा सा टॉक अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो जरूर उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगले टॉपिक का इंतजार कीजिएगा। तब तक जय हिंद।